सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री का 13वां चैप्टर एमीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपको इस चैप्टर से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर आपको एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। यदि फ्रेंड्स आपके एग्जाम इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखकर याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके 20 ग्राम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहले हम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हमने आपके 20 ग्राम के लिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में 10 सेट को तैयार किए हैं। आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 10 सेट को तैयार किए हैं। प्रत्येक सेट में फ्रेंड्स आपको 28 प्रश्न रहेंगे। यदि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दिए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, चाहे वह चैप्टर बाय चैप्टर हो और ये 10 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आइएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बहुत ही बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, मिथाइल एमिन को बनाया जाता है तो ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। मिथाइल एमिन को ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, ऑयल ऑफ विना मेराबेन कहलाती है तो नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। ऑयल ऑफ विना मेराबेन नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एल्किल साइनाइडो का जलीय बेलन का रंग होता है। एल्किल साइनाइडो का जलीय बेलन का रंग होता है तो लाल। एल्किल साइनाइडो का जलीय बेलन का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, कार्बिल एमिन परीक्षण देने वाला एमिन्स होते हैं। कार्बिल एमिन परीक्षण देने वाला एमिन्स होते हैं तो चतुर्थी एमिन्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सर्वाधिक दुर्बल भस्म है तो एनिलीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कार्बिल एमिन अभिक्रिया देती है तो CH3NH2 अभिक्रिया देती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, बेंजीन का सूत्र है तो फ्रेंड्स बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है और यह क्वेश्चन 2016 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एट, R1NH2 में N के साथ कौन सा प्रसंस्करण है। R1NH2 में N के साथ कौन सा प्रसंस्करण है तो sp3। क्वेश्चन नंबर नाइन, NH3 में मतलब अमोनिया में N का प्रसंस्करण है तो sp3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है तो फ्रेंड्स कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर एक नया वीडियो बनाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।